दिल्ली से बिहार आने के लिए लगातार भारत सरकार और रेल मंत्रालय कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन चला रही है और इसी पर आज का हमारा यह वीडियो अपडेट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो का न्यूज पाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट हमें अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। 1200 मजदूरों के साथ आज शाम के लिए रवाना, नई दिल्ली से चलकर मुजफ्फरपुर तक आने वाली इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में करीब 1200 मजदूर सवार रहेंगे। यानी कि यह एक पहली ट्रेन होगी जो कि नई दिल्ली से बिहार से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना की गई है। आने वाले दिनों में बिहार के लिए कई और ट्रेनें चलाई जाएगी जो कि दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेगी। और अगर हम बात करें कि बिहार आखिर आने वाले दिनों में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी, तो इसमें शामिल हो सकता है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पटना और दानापुर समेत इन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से खुलने वाली और दिल्ली से चलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा। इस ट्रेन में आपको 24 कोच के साथ सुविधाएं भी बेहतर मिलेगी और एक ट्रेन में करीब बात करें तो इसमें 1200 यात्री सफर कर सकेंगे। और अगर टिकट की बात करें तो बिहार सरकार तो पहले ही स्पष्ट कर दिए कि टिकट उन यात्रियों को देना पड़ेगा जो लोग टिकट देने युक्त हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी आपको इसके लिए मदद कर रही है, इसलिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में हम आपको बता सकें बिहार आने के लिए दिल्ली से कौन कौन से रूट पर कब कब के लिए ट्रेन चलाई जा रही है।